राइट, तो ये प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है, क्यों? क्योंकि यू आर द सोल ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और इससे जुड़े जो भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो आपको बिलोंग करते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम ओनरशिप के बारे में बात करते हैं, जब हम ओनरशिप के बारे में बात करते हैं, ओनरशिप ओवर एनी प्रॉपर्टी, ओनरशिप ओवर एनी प्रॉपर्टी, तो ओनरशिप का सिंपल सा मतलब ये है बंडल ऑफ राइट्स, जैसे राइट टू यूज, उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, किस मैनर में यूज करना है, वो सोल राइट किसके पास है? ओनर के पास है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बात करेंगे। ये लॉ 5th semester में एक सब्जेक्ट है। ये वीडियो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर पहला क्लास है और आज के इस वीडियो में हम IPR के मीनिंग, उसके डेफिनेशन, नीड और किन किन एरियाज में IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सभी एरियाज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लॉ 5th semester के स्टूडेंट हो या अगर आप IPR को पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो IPR के बेसिक मीनिंग, डेफिनेशन, नीड और फॉर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास एक अच्छा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, राइट। तो चलिए, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम IPR से जुड़े कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। तो सब्जेक्ट है आपका IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, अगर हम इस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं, राइट्स विच आर ग्रांटेड ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं क्रिएटर को या इन्वेंटर को, उसे ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स राइट्स विच आर प्रोवाइडेड ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट्स विच आर प्रोवाइडेड ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो राइट्स क्या है? वही राइट्स IPR कहलाएंगे। आइए हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। देखो, तीन वर्ड्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या है? देखो, वो कोई भी चीज़ जिसका कोई वैल्यू होता है मार्केट में, वो क्या है? प्रॉपर्टी है। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करती है। इट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब हम एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है, उस ओनर के पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हाईएस्ट राइट्स अवेलेबल होते हैं। उस ओनर के पास उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में एक्सक्लूसिव राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो प्रॉपर्टी को हम बेसिकली किसी भी चीज के ऊपर हाईएस्ट राइट के कनेक्शन में देखते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स हाईएस्ट राइट, हाईएस्ट राइट अ मैन कैन हैव टू एनीथिंग। किसी भी चीज को लेकर के जो हाईएस्ट राइट है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है,
जो उसका ओनर है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे बिलोंग करती है, आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। तो हम जानते हैं कि ओनरशिप क्या है। ओनरशिप इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ राइट्स। ओनरशिप क्या है? ओनरशिप बंडल ऑफ राइट्स। तो ये प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है, इसका मतलब ये है इस प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो भी राइट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मुझे बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है, क्यों? क्योंकि यू आर द सोल ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और इससे जुड़े जो भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो आपको बिलोंग करते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम ओनरशिप के बारे में बात करते हैं, जब हम ओनरशिप के बारे में बात करते हैं, ओनरशिप ओवर एनी प्रॉपर्टी, ओनरशिप ओवर एनी प्रॉपर्टी, तो ओनरशिप का सिंपल सा मतलब ये है बंडल ऑफ राइट्स। जैसे राइट टू यूज, उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, किस मैनर में यूज करना है, वो सोल राइट किसके पास है? ओनर के पास है। तो ओनरशिप सिंपली मींस बंडल ऑफ राइट्स, और ये जो बंडल ऑफ राइट्स हैं उसमें से जो पहला राइट है वो क्या है? राइट टू यूज। आप उस प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप है, आपका सोल राइट है, आप जैसे मन करो वैसे आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो तो आपका ये राइट है कि आप दूसरे पर्सन्स को एक्सक्लूड कर सकते हो कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करोगे, या इस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट्स अराइज होते हैं उन बेनिफिट्स में आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तीसरा राइट टू डिस्पोज, आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो तो आपके पास ये राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। और लास्ट है राइट टू डिस्ट्रॉय, आप उस प्रॉपर्टी को जब चाहे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, राइट। तो ओनरशिप को हमेशा हम किस रिस्पेक्ट में देखते हैं? हम बंडल ऑफ राइट्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी ओनर के कनेक्शन में, हम ये कह सकते हैं कि ओनर का हाईएस्ट राइट ओवर हिज प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? ये शो कर रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो केवल उसे बिलोंग करती है, राइट। अब देखो, जब हम वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसे हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक मूवेबल और दूसरा इमूवेबल। अगर हम फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे कहें तो एक होता है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, एक होता है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी का ही एक कैटेगरी है। ये एक नए प्रकार की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के आगे इंटेलेक्चुअल वर्ड यूज किया गया है, यानी वो प्रॉपर्टी जो कि क्या है, विच इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, जो कि क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्रिएशन है, जो कि ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है, वो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है, राइट। तो हमने प्रॉपर्टी देखा, हमने देखा कि प्रॉपर्टी मीन्स हाइएस्ट राइट विच अ मैन कैन हैव टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में जो हाइएस्ट राइट होता है जो एक पर्सन के पास हो सकता है वो प्रॉपर्टी कहलाता है। प्रॉपर्टी मीन्स एनीथिंग विच इज़ हैविंग वैल्यू, जिसका कोई मार्केट वैल्यू हो वो प्रॉपर्टी कहलाएगा। प्रॉपर्टी के दो कैटेगरीज हो सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रॉपर्टी ही है।
लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज़ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, इट इज़ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आइए हम उसे समझते हैं। ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है अ प्रॉपर्टी विच इज क्रिएशन ऑफ, आप चाहो तो साथ साथ में नोट कर सकते हो, अ प्रॉपर्टी विच इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड intellect, wisdom, या आप कह सकते हो property which is end result of, property which is end result of human intelligence। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है वो ना ही मूवेबल के कैटेगरी में आएगा ना ही इमूवेबल के कैटेगरी में आएगा, इट इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। Which emerges out of intellectual labor of human being। ठीक है, तो product of human brain, IP क्या है, intellectual property basically product of human brain है, which emerges out of intellectual labor of human being। ठीक है, तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन इन शॉर्ट में। अब हम इसे और भी ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये नोट कर लो। अब आइए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम और डिटेल में समझते हैं। देखो, हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डील करता है उन सभी प्रॉपर्टीज से जो कि क्या है, विच आर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, इंटेलिजेंस एंड विजडम। ये तो हमने जान लिया। अब देखो, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का टैग है ये आपको किन फील्ड ऑफ वर्क में मिलेगा, तो आप नोट कर लो, टैग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज गिवन in these field of work, पहला आर्टिस्टिक, अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क है तो उस वर्क को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में रखेंगे, कोई लिटरेरी वर्क है। तीसरा, परफॉर्मेंस ऑफ
परफॉर्मेंस ऑफ अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अगर कोई सिंगर गाना गाता है तो वो क्या है, वो उसका आईपी है। अगर कोई डांसर कोई एक स्पेसिफिक मूव क्रिएट करता है तो वो उसका आईपी है। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ब्रॉडकास्ट फोनोग्राम एंड एवरी इन्वेंशन बिलोंगिंग टू ह्यूमन एंडेवर, और वो सभी इन्वेंशन जो ह्यूमन कैलिबर को बिलोंग कर रहे हैं वो सारे इन्वेंशंस आईपी के ही कैटेगरी में आएंगे। साइंटिफिक डिस्कवरीज, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो गया, कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली ये एरियाज ऑफ वर्क हैं जिनमें क्रिएशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है। आर्टिस्टिक लिटरेरी परफॉर्मेंस ऑफ अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ब्रॉडकास्ट फोनोग्राम्स एवरी इन्वेंशन बिलोंगिंग टू ह्यूमन एंडेवर साइंटिफिक डिस्कवरीज इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड सो ऑन। आप नोट कर लो। अब देखो, इन फील्ड ऑफ वर्क के बेसिस पे क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज इन्वेंशन ऑफ माइंड, इनोवेशन, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल नेम्स इमेजेस यूज इन कॉमर्स हैविंग इंडस्ट्रियल पर्पस। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इन्वेंशन ऑफ माइंड, इनोवेशन, कोई लिटरेरी वर्क, कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई सिंबल, कोई नेम, कोई इमेजेस जिसका यूज हम करें कॉमर्स में, जिसका इंडस्ट्रियल पर्पस हो, वो क्या है, आईपी है। ठीक है, तो आप लिख लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज an invention of mind, innovation, literary, artistic, symbol, name, कोई इमेज, कोई डिजाइन यूज्ड इन कॉमर्स हैविंग इंडस्ट्रियल पर्पस। वो क्या है, वो आईपी है, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब हम तो ये तो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है उसे हमने समझा। अब देखो बारिश आने लगी है तो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब अपने अगले वीडियो में हम आईपीआर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और किन किन फील्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है, किन किन फील्ड ऑफ वर्क को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मीनिंग को हमने समझा। अब कल हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, क्यों जरूरी है कि जो क्रिएटर है, जो इन्वेंटर है, उसे हम एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करें उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पर्पस क्या है उसे समझेंगे, और आईपीआर प्रोवाइड करने के पीछे के
क्या क्या वैलिड रीजंस हैं उसे जानेंगे, और हम ये समझेंगे एट लास्ट कि क्या क्या आईपी लॉज हैं इंडिया में। जैसे आपको कॉपीराइट एक्ट 1957 पढ़ना है, आपको ट्रेडमार्क एक्ट 1999 पढ़ना है, पेटेंट एक्ट 1970 पढ़ना है, डिज़ाइन एक्ट पढ़ना है। तो ये मेजर आईपीआर लॉज हैं जिन्हें हम समझेंगे, राइट। तो ये था पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग। शुरुआत तो हमने ये बोलकर किया था कि हम इस वीडियो में आईपीआर के मीनिंग, डेफिनेशन, नीड और वेरियस फील्ड ऑफ वर्क को देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मीनिंग को ही समझ पाए। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आईपीआर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अब बारिश की वजह से बीच में लेक्चर रुकना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। चलिए, थैंक यू।